अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। गांव हरसा दब्बड़ में आयोजित संत सम्मेलन के तीसरे दिन काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने संतों के प्रवचन सुने। संगत को समझाया कि ज्ञान और दान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, सही ज्ञान हमें कैसे और किससे मिल सकता है, इसके बारे में भी संतों ने भक्तों को समझाया। मदन लाल जी महाराज व वेदांताचार्य श्री श्री 1008 स्वामी अक्षरानंद गिरी हरिद्वार वाले ने संगत को अपने प्रवचनों से निहाल किया। संतों ने प्रवचन कर कहा कि भगवान की नज़र हर पल हर जीव पर रहती है। हमें याद रखना चाहिए कि हम हर पल हर क्षण भगवान की नज़र में हैं। जम्मू से शशि कुमार की सारे संत सम्मेलन का लास्ट दिन है और ये परम गुरु जी महाराज खुलासे हैं। ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की चर्चा सुननी है। मैं थोड़े ज्यादा संत होते अपने बारे की विश्राम दे प्रार्थना करें कि महाराज प्रांगण में साढ़े बड़े महाराज शास्त्री जी महाराज बड़ा अच्छा है कदम संत ऋषि की रुटी आखी बैठी है स्नान करने के अक्षय पात्र ध्यान रखनी मैं इस वास्ता याद किया। भगवान कृष्ण बोलिया आखना द्रौपदी पहले मिली बड़ी भुख लगी पहले मिली खिला उन्हें क्या जी दरवाशा ऋषि योगिनी निकला दी भगवान में कुछ खिलाओ उन्हें क्या अक्षय पात्र उन्हें क्या अक्षय पात्र है वे चमी है उन्हें क्या लिया बात कोई दाना लगे दा होगा भगवान की लीला लिखिया रामायण में सीता माता को अब कल युग में भी बड़ी बड़ी देवियों पर अत्याचार हो रहा है गो माता पर तो भगवान सतगुरु के रूप में आ रहे हैं ज्ञान की वर्षा दे रहे हैं और बार बार जीव को समझा रहे हैं। हमें अपने सतगुरु के चरणों का ध्यान करना है सतगुरु के वचनों का पालन करना है जो भी हमें सतगुरु जी ने